सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। प्यार और मौत में एक चीज समान है, दोनों ना ही उम्र देखती है और ना ही समय। इतना तो मकड़ी भी अपने जाल में खुद नहीं उलझती जितना आदमी अपनी ख्यालों में उलझ जाता है। ऐसे तो जिंदगी में बहुत से मिल जाते हैं आपको अपना कहने वाले। रिश्ता उन्हीं से रखिए जिनसे अपनेपन का एहसास हो। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी खुश रहता। आज का पंचांग 22 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 6:02 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र दोपहर 1:50 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:30 से 10:40 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर रात्रि 8:05 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या मिथुन राशि 22 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार, इस समय आप संघर्षपूर्ण महसूस करेंगे। कूटनीति कानूनी या धन संबंधित विवादों को हल करने में आपकी मदद करेगी। परिवार के साथ समय बिताना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। आपका परिवार जिसमें बच्चे और पालतू जानवर भी शामिल हैं, आपको खुश करेंगे व प्रतिस्पर्धा और शत्रुता की भावना से भी छुटकारा दिलाएंगे। आज वातावरण में ऊर्जा और उत्साह है। दफ्तर और अन्य मामलों को पीछे रखकर परिवार के मामलों में अपना ध्यान केंद्रित करें। कुछ लोग नया घर या नई संपत्ति खरीदने की योजना बना सकते हैं, इसमें अपने प्रियजनों की सलाह जरूर लें। इंसान अगर ठान ले तो असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव शब्द का इस्तेमाल कायर करते हैं। अनुकूल समय है, प्रकृति आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां बना रही है। निवेश को लेकर आपको कुछ जानकारियां मिलेगी और फायदेमंद ही होगी। अपनी योजना में परिवार जनों को भी जरूर शामिल करें। संबंधियों के साथ उपहारों का आदान प्रदान भी रहेगा। परिवार के बुजुर्ग लोगों के सुझाव पर ध्यान देने की कोशिश करें। बड़ी इच्छा को पूरा करने के लिए योजना आपके द्वारा बनाई जा सकती है, लेकिन अपनी क्षमता का ध्यान रखना जरूरी होगा। करियर से संबंधित ठोस कदम आपके द्वारा उठाए जाएंगे, इस कारण आर्थिक परिस्थिति अचानक से बदलेगी। लव रिलेशनशिप संबंधित निर्णय अचानक से लिया जा सकता है। सेहत ठीक होने के बाद भी चिंता हो सकती है, इस बात को समझने की कोशिश करें। सावधानियां, छोटी मोटी बातों अथवा विवादों में उलझना उचित नहीं है। व्यवहार में ठहराव लाएं। विद्यार्थियों को किसी प्रोजेक्ट में विफलता मिलने से तनाव रहेगा। हिम्मत ना हारें और दोबारा प्रयास करें। व्यर्थ की आवाजाही से परहेज रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप एक अलग ही अलौकिक शक्ति महसूस करेंगे जिसे आप अपने साथी का दिल जीत सकते हैं। अपने प्रयासों से आप कार्यस्थल और निजी जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। अपनी बेजान जिंदगी में चाहत का रंग भरने के लिए अपने व्यक्तित्व पर भी ध्यान दें और ऋण दुर्घटना आदि से बचें। अगर आप अपने साथी को खुश रखते हैं तो आप खुद को प्रसन्न करते हैं। आज आप अन्य मामलों की तुलना में अपने परिवार पर अधिक ध्यान देंगे। आपका दिन मस्ती में बीतेगा और आप अपने आप को खुश किस्मत महसूस करेंगे। ध्यान रखें कि पैसों को प्यार से ज्यादा महत्व ना दें, क्योंकि प्यार पूरी उम्र साथ रहता है, पैसा नहीं। बात करते हैं करियर की। आपके विचारों में स्पष्टता के कारण आप अपने हर कर्तव्य को सही तरीके से पूरा कर रहे हैं। सहकर्मी या अधीनस्थ से मिला धोखा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन चिंता ना करें, आपकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। दूसरों के साथ अच्छा करें, इससे आपके साथ भी अच्छा ही होगा। अपने पेशेवर वातावरण के साथ साथ चीजों को आसान बनाने के लिए यह समय बेहतरीन है।
आपके नीतियों और रणनीतियों के अत्यधिक सराहना की जा रही है, इससे आपकी प्रतिष्ठा और स्थिति दोनों में सुधार होगा। आज आर्थिक लाभ की भी संभावना है। आज जो विकल्प आपके पास है वो आपके लिए बेहद लाभदायक है। बात करते हैं सेहत की। थकान और नकारात्मक विचार उठने से आपकी कार्य क्षमता पर इसका असर पड़ सकता है। कुछ समय प्रकृति के नजारों को अभी लुफ्त उठाएं, सुकून मिलेगा। सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज अब गरीबों को काली तिल का या काले कपड़ों का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।